హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం సో మార్చ్ ఫోర్త్కి ఒక సినిమా మన అలరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది అనమాట అయితే ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే మనము యూనో అమిత్ జీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఆయనే ఒక టీం అందరినీ కూడా మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు రకరకాల వీధుల్లో ఆడుకునే వాళ్ళకి గల్లీల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఒక ఉంటుంది దా వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి నడిపించి ఒక గా ఫామ్ చేసి యూనో జూన్ అన్న సినిమాతో మన అందరి ముందుకే వస్తున్నారు అనమాట सो so, ये फिल्म ने डायरेक्ट चेस ने नागराज का नाता तो पार्ट नार का बट ये आप फिल्म को निचे मारिनी विशेष शाल ने चलती ना नंदी हाय सर हेलो हेलो वेलकम टू टॉलीवुड थैंक यू हैव यू बीन बिफोर हियर हैदराबाद में हूँ लेकिन आपके चैनल पे शायद पहली बार oh, चैनल ये सबका चैनल है सर ये तो कॉमन फीड है हर जगह पे जाएगा अच्छा <laughs> तो मैं मतलब ऐसे ऐसे पहली बार हूँ okay. और सैराट के टाइम आया था तो ज्यादा वक्त नहीं बिताया था लेकिन सर फर्स्टली कंग्रेचुलेशन फॉर दिस फिल्म थैंक यू

जिससे लोग हैं कुछ उनसे ये इंस्पायर्ड कहानी है हमारी और मेरे पास जब ये कंसेप्ट आई थी कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे हम ये फिल्म बना सकते हैं और इसमें शायद बच्चन सर को हम पूछ सकते हैं काम करने के लिए तो एक तो ये इंस्पिरेशन था कि बच्चन सर के साथ काम करना और जब मैंने ये कहानी जानना चाहा और जाके समझा लोगों से बात किया तो मुझे पता चला कि ये कहानी शायद मुझे कहनी चाहिए और मुझे वो भी वो कहानी ने भी प्रेरित किया और जो कास्टिंग जिस तरीके से है वो बच्चे भी मेरे मेरी प्रेरणा है okay. तो ये दो बातें बहुत जरूरी की फिल्म और बच्चन सर के साथ फिल्म वाह बच्चन जी से तो शायद ड्रीम कम ट्रू टाइप बिल्कुल, बिल्कुल 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 सर मतलब कौन नहीं काम करना चाहता और मेरे तो मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं काम कर पाऊंगा लेकिन कर कर दिया वाह ओ उसके लिए भी कंग्रेचुलेशन सर <laughs> <laughs> बच्चन सर तो दिखते हैं कहाँ भी कड़े रहने के बाद दिखते तो है क्योंकि उतना हाइट है उनकी उतना हाँ. नाम है उनकी हाँ. सो दिखेंगे लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बदमाश बच्चे दिखते हैं सर ये हाँ. मुझे समझ में आया इतना बदमाश क्यूँ ये लोग ये क्योंकि ये, ये एक्चुअली है ही बदमाश बदमाशों की टोली है झुंड है और झुंड का मायना ही वही होता है कि थोड़े से बदमाश लोगों का ही का ग्रुप ही झुंड हम कहते हैं और ये एक्चुअली uh, जो हम हम मैंने कैरेक्टर लिखे थे जो फिल्म में जो किरदार लिखे थे वो भी बदमाश हैं लेकिन जो असल में है ये बच्चे भी बहुत बदमाश बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया है तो आप जब फिल्म देखेंगी आपको पता चलेगा कि क्या क्या बदमाशी बदमाशी कर करते हैं है और कैसा सुधरते हैं <laughs> वो भी वो भी देखेंगे आप राइट दिस काइंड ऑफ फिल्म्स आई हैव सीन लॉट यू नो जो भी है uh, गली बॉय आया था ठीक है स्पोर्ट्स अलग है और रैप सिंगर है इसमें लेकिन क्या अलग है क्या यूनिकनेस है इसमें ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि क्या यूनिकनेस है आप आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप देखिए और को देखिए देखिए मैं ओके okay. प्लीज और आप बोलिए अगर आपको अलग लगती है तो मेरे को भी बताइए <laughs> तो मैं अपने मुंह से कहना अच्छी बात नहीं है कि ये अलग है डिफरेंट है ये ये बात तो है कि एक अलग आदमी ने बनाई है तो अलग तो कुछ ना कुछ होगा ही लेकिन आपको कितनी अलग लगती है लेकिन नहीं... आपको भी लगा होगा ना शायद ये तो सबसे अलग है सो ऐसा कुछ लगा क्या देखिए हर कोई कहता है हर एक फिल्म में करके हमारी कहानी अलग है तो वो अच्छी बात नहीं है तो मैं कहूँगा कि देखिए मैं जो फिल्में बनाने की कोशिश करता हूँ वो मैंने बना दी है और ये पहली बार ही हो रही है ये कहानी भले ही कुछ ना कुछ मिलता जुलता कुछ रहता है कह, कहीं से हम रिश्ता जोड़ देते हैं या आपको रिकॉल होता है कोई याद जैसे कि आपको हुआ भी या कोई फुटबॉल को लेके दुनिया भर की फुटबॉल की फिल्में याद करेगा खेल हाँ। की फिल्में याद करेगा हाँ। वो तो होता रहेगा लेकिन आप आपकी राय आप खुद बनाएं जब आप ये फिल्म देखें आप एक्टर भी हो

नॉन एक्टर्स या कहिए पहली बार काम करने वाले नए नए जो लोग हैं पहली बार एक्टिंग जो कर रहे हैं ऐसे लोगों के साथ या इसके पहले काम किया था सैराट नाम की जो मैंने फिल्म बनाई थी जो मराठी में ऑलरेडी हिट हो गए थे वो मेरा रिमिक था उस, उसका ओरिजिनल जो okay, है वो मैंने बनाया था तो वो धड़क राइट धड़क बना था उस पर जो ओरिजिनल था वो सैराट था तो वो मैंने बनाई थी तो तब ऐसे ही जो पहली बार काम कर रहे ऐसे लोग थे

नहीं आपका टूथपेस्ट तो तो... में नमक नहीं <laughs> <laughs> नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल हंस रहा हूँ या सो या वर्किंग एक्सपीरियंस तो पूजी दी मैं लेकिन बहुत सारा सीखने को मिलता है हाँ। जो लेजेंडरी एक्टर्स से काम करते हैं वो भी बच्चन सर की जैसे आदमी से बात सो so, क्या सीखने को मिला आपके? बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं एक, उनको एक्टिंग करते देखना ये भी एक बहुत ही कहते ना मतलब अनोखा अनुभव होता है क्या बच्चन सर को सामने देख रहे हैं और दूसरी बात तो वो जैसे सेट पे रहते हैं और जितना क्या कहें जितना इस उम्र में भी जितना एनर्जी उनका है तो वो भी बहुत सिखाने वाली चीज है बहुत सीखते हैं उससे बच्चन सर तो एक दिन भी शायद घर नहीं बैठते हैं हमेशा भी जी रहते है, 24, लीन 25, लीन 7। मुझे लगता है मुझे लगता है तो अगर कौन बनेगा करोड़पति में होते हैं फिर फिल्म्स में होते हैं फिर बहुत सारे एड्स अमिताभ जी तो होते हैं इतना बड़ा एक्सपीरियंस स्टार के साथ है <laughs> लेकिन बाकी के लोग पूरा नए नए दिख रहे मुझे ये बच्चे जो है सारे लोग शायद नए नए पहली बार काम कर रहे हैं सो कैसा लगा सर एक तो एक्सपीरियंस हाँ एक एक तरफ इतने एक तरफ, बड़े आ, एक्टर और ये पहली बार काम करने वाले लोग लेकिन ये पहले आ, मैंने जब कास्ट किया था जब फिल्म शुरू होने से पहले दे, डेढ़ डेढ़ साल लगभग इनको कास्ट किया था ओके। और आ, हम साथ में इनका वर्कशॉप कहिए या इनको साथ में रख के हमने पूना में इनके साथ आ, एक्टिंग का फिल्म मेकिंग का एक, एक क्लास कहिए या अनुभव उनके साथ शेयर किया था और सबका हौसला बढ़ाया था तो जब मतलब मान लो कि बच्चन सर के सामने आके आदमी सहम जाता है तो ये अगर उधर डर जाए या सहम जाए तो काम नहीं होगा नहीं। तो हमने इनके साथ बहुत वक्त बिताया ऐसा कभी हुआ आप वाला कुछ लोगों का हुआ था ओके लेकिन फिर उनको बाजू लेके जा नहीं। नहीं। ले जाकर उनको समझाया कि इतना ही करना है बस आपको टेंशन नहीं लेना और डायरेक्टर का काम वही है कि उनसे अच्छा काम निकलवाना तो लेकिन जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगी का बहुत खुश हो जाएंगे कि वो छोटा जो बच्चा है आ, इसमें एक है कार्तिक नाम का तो उसने भी जो काम किया है सब लोग आ, बहुत खुश हो रहे हैं और जितने भी लोग फिल्म देख रहे हैं सब फिल्म देख के या बच्चन सर आपको देख के सर दोनों, दोनों। <laughs> मतलब पूरा मतलब बच्चन सर बच्चे और शायद फिल्म भी अच्छी लगी आपको जरूर पक्का अच्छा लगेगा मुझे तो प्रोडक्शन के बारे में तो बात करना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा फिल्म बनता है वो भी बच्चन सर है तो so उनकी भी बजट लगती है थोड़ी बहुत <laughs> देखिए मतलब तो मतलब तो, जो कमर्शियल होता है वो तो होता ही है और जो प्रोडक्शन की बात होती है कि जो पैसा आप जितना खर्च करो करो नहीं। या ना करो लेकिन जो फिल्म आपको बनानी होती है वो प्रोडक्शन की जो बात कहते हैं जो प्रोडक्ट आप बनाते हो और वो बहुत जरूरी होता है तो हमारी सारी टीम ने हमारे प्रोड्यूसर्स ने हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं हमारी हमारे कैमरामैन से लेके आर्ट डायरेक्शन से लेके सारे लोगों ने इतना मेहनत किया आप देखेंगे इस फिल्म में जो झोपड़पट्टी पट्टी का नहीं। सीन है तो एक रियल लोकेशन में भी हमने शूट किया है लेकिन जहाँ जहाँ बच्चन सर आ रहे हैं वो हमने क्रिएट किया है वो पूरा झोपड़पट्टी हमने तैयार भी किया था और बहुत सारे लोकेशन हमने रियल भी किए बच्चों के साथ करने में दिक्कत नहीं थी क्योंकि इनको कहाँ भी लेके जा सकते थे बच्चन सर को नहीं लेके जा सकते आप तो

सिचुएशन यू फेस कुछ मतलब बहुत सारे सीन्स हैं कि जो शूट करने में मुश्किल थी okay. जो मतलब कोई इतनी टेक्निकल चीजों से इसमें दिक्कतें आती हैं लेकिन आप फिल्म मेकिंग में पूरा मैनेज करते हो वो चीज़ें और वो शूट करते हो कभी कभी कोई कुछ इमोशनल सीन होते हैं hmm. जो एक्टर के साथ करने में एक्टर को भी प्रेशर लगता है हमको भी लगता है कि कैसा करेगा अच्छा करेगा जो बच्चे हैं छोटे right. तो ये करेंगे नहीं करेंगे ये भी होता है hmm. आ, तो वो उस बातों पे कभी कभी आ, कुछ सीन्स हैं तो उसमें होता था ज्यादा तकलीफ तो किसके साथ हुई सर आपको बच्चों में बच्चों में आ, मतलब... हम तो रिलीज के बाद लेटर पे आप, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन क्या है लेकिन जो छोटा सबसे छोटा बच्चा है वो पहले बोलता ही नहीं था बात ही नहीं करता था एक शब्द बोलता नहीं था वो आप आप दस सवाल पूछो तो फिर भी वो बात नहीं करेगा देखेगा और एक एक शब्द में आपका जवाब दे देगा तो तब लगता था कि यार ये फिल्म में डायलॉग बोलेगा या नहीं बोलेगा तो लेकिन धीरे धीरे उसका हौसला इतना बड़ा कि बहुत अच्छा काम किया उसने और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो कभी डरता था आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बच्चा पहले डरता था तो so, आपको सारे रियल लोगों है। है क्या, फिल्म को लिए क्यों जो जो तो आप देखेंगे ना फिल्म में जो जिस तरीके से वो खेलते हैं जिस तरीके से चलते बोलते हैं एक्टिविटीज करते हैं तो वो शायद ही हम अगर बाकी लोगों में ढूंढते तो नहीं मिलता और इन लोगों ने जो रंग रूप भी होता है आप देखते आपको पता चलता फलाना फलाना यह ऐसा हो सकता है एक परसेप्शन हमारा बन जाता है हालांकि वो सही भी नहीं गलत भी हो सकता है right. लेकिन फिल्म में आ, आपके पर्सनालिटी का किरदार से मिलना बहुत जरूरी होता है तो इसलिए मैंने ये कास्टिंग ऐसा किया शॉर्ट uh, शायद बिकॉज़ यू नो मेकअप की जरूरत ही नहीं है शॉर्ट तो जो भी शॉर्ट का टाइमिंग बोलो वो टाइम पे हाजिर हा, जो भी कपड़े हो, लेकिन, पे नो लेकिन हो जाए जो मेकअप नहीं है वो भी एक मेकअप होता है मतलब तो जिस तरीके से जो किरदार है बच्चे उनका हेयर स्टाइल आप देखोगे और कप, कपड़े एक एक कैप है शेड से बिल्कुल तो यह तैयारी करने में भी वक्त जाता था तो इनका कॉल टाइम अलग रहता था और मेकअप मेकअप टीम एक मतलब एक रहती थी मतलब पांच छह लोग रहते थे जो दस पंद्रह लोगों का तैयारी करके रखते थे पहले फिर यह तैयार होके फिर जब अपना रियल कॉल टाइम है वो आता था तो एक्टर को थोड़ा पहले आके थोड़ा तैयार भी होना पड़ता था लेकिन वही है जो मतलब आप जो चीज दिखा रहे हो वो दिखाने के लिए कोशिश करना पड़ता है

बच्चों के साथ तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है आ, इनको जब मैं मिला पहली बार तो ये एक्चुअली इस्लम से ही ये सब जो बच्चे हैं सब इस्लम से हैं और सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं और मान लो उनकी कठिनाइयाँ परेशानियाँ खुद की हैं लेकिन फिर भी जिस पॉजिटिव और जिस होपफुल अंदाज से वो रहते थे आज भी हैं तो हमारी फिल्म बहुत डीले हुई लगभग तीन साल हमने काम किया फिर भी उन्होंने बहुत जिद से और पेशेंटली वेट किया हुँ. और मैं जब भी बोलता था, था यार रिलीज कभी कभी बात होती थी तो रिलीज कभी होगी फिल्म हुँ. तो मैं कहता था, था और थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा हुँ. तो ओ पे जब करने को हो रहा था तो बच्चों को लग रहा था कि प्लीज मत करिए तो वो जिस तरीके से समझ रहे थे ये सब चीज और कुछ लोग तो इसमें इतने इतने टैलेंटेड हैं फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं तो इनसे बहुत सीखने को मिलता है सर आपको बच्चन सर के सामने ऐसा ही कुछ फाइट के नरेशन के वक्त या शूटिंग सीन एक्सप्लेन करते वक्त कैसा लगता था सर कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पे बैठे वैसा लगता हा। था क्या <laughs> देखिए सर के सामने तो मतलब वो एक जिम्मेदारी वाली बात भी है कि आप उनको कोई चीज समझा रहे हो समझा रहे हो ये कर रहे हो लेकिन सर ने हमारा प्रेशर बहुत कम किया था उन्होंने आप पे मतलब उनका कहते ना कि उनका प्रेशर आने नहीं देते सर आप चाहे भी थोड़ा सा डर भी जाओ तो वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि ठीक से मतलब कि आप उनसे न डरो okay. वैसा माहौल खुद कंफर्ट तैयार करते हैं okay. तो मतलब हम प्रेशर में आ भी जाते थे लेकिन सर ने बहुत बच्चों के लिए सबके लिए बाहुल इतना आ, क्या कहे बहुत फ्रेंडली रखा और हमको बहुत पेशेंटली हमको शायद उन्होंने उन्होंने हमको वो स्पेस दिया जहाँ हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते थे बोल सकते थे राइट सो फिल्म कंप्लीट होने के बाद बच्चन जी ने देखा है? अभी देखा ना हो, हो, okay. तो, ओके क्या बोले थे अच्छा लगा सर को अच्छा लगा ओके okay. हाँ। कहाँ पर ज्यादा अप्रिसिएशन मिला आपको कुछ चीजें उनको बहुत अच्छी लगी अभी आप आपने फिल्म देखी नहीं है और मैं वो स्पॉइल भी नहीं करना चाहता लेकिन तो मतलब थोड़ा सा बता के एक जो मैंने लिखा था और एक डायलॉग है लंबा डायलॉग है तो सर को वो अच्छा लगा था बहुत था और सर ने आप नहीं आ, बोल सकते हो वो नहीं बोल सकता है और नहीं बोलना चाहिए <laughs> okay. तो वो Film वो सर, हो जाएगा। हाँ तो वो सर को बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली बोल सकते हैं ट्रेलर में भी है वो एक डायलॉग है कि ये बच्चे अगर हाथ में इनके पत्थर की जगह अगर गेंद आप थमा दो तो ये विश्व के सबसे तेज गेंदबाज गेंदबाज बन सकते हैं तो वो डायलॉग है उसके आगे पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं तो सर को वो बहुत अच्छा लगा था पत्थर के जगह पे आप गेंद दिए करेक्ट जो बच्चे पत्थर मारने वाले बच्चे हैं तो उनको अगर गेंद थमा दी जाए तो

हाँ, हाँ, तो लात मार में एक रैप आता है बीच में तो वो इस जो एक्टिंग कर रहा है वही बच्चे ने किया है okay. ये जिस तरीके से फुटबॉल खेलते हैं दौड़ते हैं आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा सो so, इनका एवरेना एक्सपीरियंस स्टार्स में चूसे से अवकाश बंदा सर दिन लो और कोई एक्सपीरियंस एक्टर्स है क्या इसमें इसमें है कुछ आ... मुझे वो जो वॉइस ओवर आता है ना बच्चन जी को बोलते हैं शुरू में शुरू में वो मतलब वो वो एक, मतलब एक्टर एक्टर नहीं है लेकिन वो है लेकिन okay, ओके मुझे बहुत सुना, सुना ल, आवाज बा, लगा बाद का जो एक आवाज है वो वो है किशोर कदम नाम के जो एक्टर हैं okay. है। तो मेरी पहली फिल्म उसमें काम किया था। okay. तो उनका भी आवाज है उसमें so, भी है, बच्चन जी कुछ और एक्ट आपको कौन सा फिल्म्स देखिए मैं मैं आ, आज तक जो फिल्म किया की है, तो मुझे लगता है कि जो कुछ मतलब एंटरटेन भी करूं लेकिन कुछ, कुछ भी? सेंस, हाँ सेंस वाली बात करूं मैसेज तो लोग जो लेना चाहते हैं वो लेंगे लेकिन कुछ सेंस वाली बात करूं कुछ मुद्दा उठाऊं कुछ चर्चा हम में हो तो शायद उससे कुछ निकल के आए और कला का ये भी काम है कि हमारे समाज की कुछ बातों को थोड़ा सा उजागर कर दे

गाने जो है मतलब कहानी को कहते हैं ना एक आगे बढ़ाने वाले फ्लो में जाने वाले गाने हैं जैसे एक अचानक से गाना आके कहानी को रोक देता है वैसा, वैसे गाने हैं नहीं हुँ. इसमें लेकिन कहानी को आगे ले जाने वाले ये है और आ, इसका बैकग्राउंड भी दूसरा एक म्यूजिक डायरेक्टर है साकेत तो उसने भी बहुत बढ़िया किया है okay. और राजा तो बहुत बेहतरीन हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और सब लोग

राइट right. अमिताभ बच्चन सर के साथ सिनेमा अभी हो गया रिलीज़ भी होने वाला है लेकिन अब आप हमेशा न्यू कमर्स को इंक्रेज करते हो न्यू न्यू थॉट्स और न्यू न्यू एक्टर्स को लेके आते हो सो so, नेक्स्ट भी शायद ऐसा ही होगा नहीं तो एक्सपीरियंस स्टार से काम करे सो so, बिग स्टार्स के साथ ही काम करने में पसंद करोगे ऐसा okay. कुछ सोचा नहीं अभी सबके साथ करना है <laughs> तो ऐसा कुछ नहीं नहीं कि ये ही करूंगा ये नहीं करूंगा okay. जैसी कहानी होगी उसके लिए जो किरदार अगर मान लो अच्छा लगेगा तो वो करेंगे ओके okay. सो so, ज्यादा बताओ मत लेकिन आपको जो लाइक यहाँ पर ऑडियंस की घूस हो गया ऐसा रिएक्शन जो आ रहा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करेगी आमिर खान सर का आप रिएक्शन देखोगे धनुष जी का धनुष जी ने बोला यूट्यूब पे नहीं यूट्यूब पे डाल दिया उनका वीडियो हमने ओके okay. तो वो भी देखिए आप ओके okay. तो वो वीडियो में आप देखेंगे कि तो सबको बहुत बार ऐसे हो रहा है और बहुत बार लोग ताली बजा रहे हैं सीटी बजा रहे हैं और हंस रहे हैं जोर जोर से और फिल्म पूरा इन्जॉय कर रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि फिल्म स्लम के बारे में बच्चों के बारे में तो कनेक्ट so कर हैं। सकते हैं बहुत ज्यादा आप रिएक्शन देखेंगी और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज देख के आइए लोगों के साथ तो मैं जब भी देख रहा हूँ तो बहुत मजा आ रहा है और बहुत इंजॉय कर रहे हैं सब लोग आप कुछ तेलुगु डायलॉग जानते हो मैं डायलॉग मतलब थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ आपको कॉपी कर सकता हूँ मेरा इतना अच्छा नहीं मैं समझता हूँ थोड़ा ओके और मैंने जैसे कहा ना मैं शायद फिफ्टी परसेंट समझ लेता हूँ कभी कभी वो आप जिस तरीके से प्रोनाउंस करती हो वो मैं समझ नहीं पाता हूँ लेकिन इसीलिए मुझे हिंदी में जाना पड़ रहा लेकिन लेकिन तो आप आप है तो मैं समझ लेता हूँ कुछ शब्द हैं जो मैं नहीं समझता हूँ लेकिन मैं कोशिश नहीं मैं कोशिश करूंगा और तेलगु ही है खुद उसको बहुत बार कहता हूँ कि मेरे से तेलुगु में बात कर लेकिन वो करता नहीं लेकिन क्या हुआ देखिए अभी भी मैं भी शायद तेलुगु में इंटरव्यू करना था, लेकिन मैं हिंदी में कर दी हिंदी में so, होता है ऐसा <laughs> वही होता है है अभी क्या ये ये तो तो हमारा भारत का ये खासियत है कि इतनी सारी इधर जाओगे तो फिर तमिल शुरू होगा मलयालम राइट 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 बंगाली सो सो थैंक यू यू मच विश गुड लक एंड मार्च फोर्थ बिगेस्ट सक्सेस ఉండాల్సిందే థియేటర్ ముందు అండ్ మీరందరూ కూడా జూన్ ని చూసి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇస్తానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను దిస్ ఈస్ గీతా భగసానింగ్ టేక్ కేర్ బాయ్